सांसद हैं, केंद्र के मंत्री हैं, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ शांति व्यवस्था कैसे कायम हो। वैसे जो गड़बड़ी होती है बिहार सरकार कहीं भी चूक नहीं करती, और जो गलत करने वाले गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है और उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सर आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं आपके साथ अभिषेक यादव। बिहार में बढ़ते अपराध और खासकर बेगूसराय जिले की बात करें तो उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए यह कहा है कि उन्होंने हाथों में चूड़िया नहीं पहन रखी है बल्कि वो हाथ में कलावा पहनते हैं। जब इस पर बिहार में बढ़ते अपराध खासकर बेगूसराय जिले के बढ़ते अपराध पर बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेगूसराय के वो सांसद हैं और उस पर केंद्रीय मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, तो वहाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ शांति व्यवस्था कायम रहे। लेकिन अगर इस तरह की बातें बिहार सरकार के संज्ञान में आती है तो वो ज़रूर कार्रवाई करती है। लेकिन वहीं बेगूसराय में बढ़ते अपराध पर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया उस पर आलोक मेहता का साफ तौर पर कहना है कि पिछले दिनों एक गोलीबारी कांड हुई थी जिसमें लोग गोली मारते हुए भाग रहे थे, और जब पता चला कि जो गोली मारने वाले लोग हैं वो उन्हीं के लोग हैं जो इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं, तो किसी भी तरह का आरोप बिहार सरकार पर लगाते हुए एक बार पहले उन्हें जो आरोप लगाते हैं उन्हें कम से कम एक बार अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। हम छोड़े जा रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता के वो बयान के साथ जिसमें आप सुनेंगे कि किस तरह से मंत्री गिरिराज सिंह, भारत सरकार के जो मंत्री है गिरिराज सिंह, उस पर वो जवाब दे रहे हैं। आज अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर माननीय उद्योग मंत्री और माननीय सर्राफ साहब और हम लोग सब लोग आए हैं। कमल नोपानी जी इस समिति के अध्यक्ष हैं, मैं ये मतलब पदाधिकारी हैं, और पूरा मारवाड़ी समाज ही नहीं विभिन्न समाज के लोग इस पुनीत अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। आज शांति और सद्भावना के लिए जो एक बैलून का गुच्छा यहाँ से छोड़ा गया और उसका मशाल समाज की ही प्रगति नहीं सर्व समाज की प्रगति में इस समाज का बड़ा योगदान है, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मशाल जलाए गए। मैं इस अवसर पर पूरे संपूर्ण मारवाड़ी समाज और जो समाज के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं महाराज अग्रसेन की जयंती समारोह में उन सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि दिन दुनी रात चौनी अपने कल्याणकारी कार्यों के साथ साथ अपनी प्रगति और अपने समाज की प्रगति के लिए कार्य करते रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर बिहार में बढ़ते अपराध खासकर बेगूसराय जिले की बात करें तो उस पर बिहार सरकार पर हमला बोला और कहा है कि हमने चूड़िया नहीं पहन रखी है, हम कलावा पहने। इस अवसर पर तो ये सवाल करने वाले योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि यदि बेगूसराय में इस तरह का मसला है और वहाँ के उस सांसद हैं और केंद्र के मंत्री हैं तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ शांति व्यवस्था कैसे कायम हो। वैसे जो गड़बड़ी होती है बिहार सरकार कहीं भी चूक नहीं करती, और जो गलत करने वाले गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है और उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एक जो चीज़ है उसमें जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनकी बड़ी भूमिका है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बेगूसराय में ही लोग सरेआम गोली चलाते हुए जा रहे थे, जब पता चला कि कौन है वो लोग तो बाद में सब लोगों को पता चला कि वही लोग हैं जो लोग आरोप लगा रहे थे, उन्हीं लोग के लोग हैं। तो इन चीज़ों पर नियंत्रण होना चाहिए, और सिर्फ बयान देकर और मैंने भड़काऊ बातें करके देश और राज्य नहीं चलाया जा सकता। वो भी केंद्र के मंत्री हैं, उनको अपनी इस जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार से खासकर बेगूसराय से लड़कियाँ ही सिर्फ गायब हो रही हैं, मतलब ये बहुत गंभीर बात है। यदि हम लोगों के संज्ञान में है आएगा निश्चित रूप से जो आ रहा होगा रिपोर्ट उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी जो कोई भी आरोप सरेआम लगाने के पहले
उनको निश्चित रूप से उस पर एक अध्ययन कर लेना चाहिए, उनको उसकी रिपोर्टिंग का सही सही उसकी जानकारी उसकी सूचना का पता करके तब वो ज्ञापन एक एक पत्र लिख दें या फोन से भी बोल दें तो सरकार इस पर तत्पर है उन पर कार्रवाई करने के लिए।